मैं डॉक्टर अतुल्य फारूक हूँ, एक जीरियाट्रिक फिजिशियन और डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ। जीरियाट्रिक फिजिशियन एक बुजुर्गों के डॉक्टर होते हैं जो बुजुर्गों की बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं और उनकी केयर करने में महारत हासिल करती है। इसी तरीके से डायबिटीज के जो फिजिशियन होते हैं वो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ट्रेन होते हैं। मेरी भी ट्रेनिंग डायबिटीज को मैनेज करने में है और खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन की डायबिटीज होती है उनको मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता हूँ। डायबिटीज जो है वो एक बहुत कॉमन बीमारी है जो आज की तारीख में प्रायः बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ है जिस जो हर किसी को किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, अनुवांशिक हो ज़रूरी नहीं है। और डायबिटीज़ में हमें दो ही तीन चीज़ें खास ध्यान रखने वाली होती हैं कि अगर आपकी शक्कर की मात्रा एक निश्चित लेवल्स के ऊपर है तो वो डायबिटीज़ कहलाती है। यानी अगर आपकी खाली पेट की शक्कर जो है वो 136 के ऊपर है या भरे पेट की शक्कर 140 के ऊपर है तो हम उसे डायबिटीज़ कहते हैं। या 3 महीने का एवरेज जो होता है वो 6.5% के ऊपर है तो वो डायबिटीज़ कहलाता है। डायबिटीज़ में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हमारे खून में शक्कर की मात्रा बढ़ती जाती है लेकिन इंसुलिन की कमी होने की वजह से वो खून की शक्कर मांसपेशियों में शरीर में जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ नहीं पहुँच पाती है। इसकी वजह से हमें कमज़ोरी महसूस होती है, काम करने की क्षमता नहीं रहती है या काम करने की इच्छा नहीं रहती है, हमारे प्यास ज़्यादा लगती है, हमें भूख ज़्यादा लगती है, हमें पेशाब ज़्यादा होती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं, ज़रूरी नहीं है सभी को हो पर ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इनमें से ज़्यादातर सिम्टम्स व्यक्ति को दिखने लगते हैं और सबसे कॉमन सिम्टम जो मेरे पास मरीज लेके आता है वो है वीकनेस लगना या कमजोरी लगना या काम करने में इच्छा नहीं होना। दूसरा एक ये जहाँ कई बार हम किसी दूसरी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेकअप कराता है तब हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है। अब हमें अगर पता चल गया है कि हमें डायबिटीज़ है तो फिर हमें क्या करना है, तो उस समय हमें ये करना रहता है कि हमें अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है, जिसके लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारा सही खान पान हो, सही डाइट हो हमारी। दूसरा हमारी सही एक्सरसाइज हो या हम अपने वर्कआउट्स को अपने एक्सरसाइज को बढ़ाएं जिससे हम जो शरीर में शक्कर है उसको हम यूज़ कर सकें। और तीसरा हमारे लिए होता है दवाइयाँ हमें ज़रूर लेना होती हैं और हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअलाइज प्लान होता है। एक की दवा दूसरे को भी काम करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति की कितनी मात्रा है, उसकी शक्कर लेवल क्या है, उसकी बाकी बॉडी कंडीशंस कैसी हैं, उसके बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, लिपिड प्रोफाइल कैसा है, उसका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, उसका इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है और उसके लाइफ स्टाइल कैसी है इन सब पे डिपेंड करता है उसको कौन सी दवा और किस मात्रा में दवा लेनी रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए है जहाँ पे हमें खुद अपने आप को मैनेज कर सकते हैं या अपनी कंट्रोल करने के लिए अपना काम जो हमें करना है वो है हमारी अपनी डाइट को कंट्रोल करना और अपने एक्सरसाइज को करना। तो एक्सरसाइज में हमें कम से कम 30 से 45 मिनट की वर्कआउट होनी चाहिए, चाहे हम वॉकिंग कर लें, चाहे गेम खेलें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे जिम जाएं, ट्रेडमिल पर दौड़ें, जो भी हमें पसंद है, जो भी एक्सरसाइज हमें पसंद है। बेसिकली पसीना बहाना है, हमें अपनी एनर्जी यूज करनी है, एनर्जी को यूटिलाइज करना है जिससे हमारी ब्लड शुगर जो है वो यूज़ हो एक्सरसाइज में, ऊर्जा जलाने में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये हमें नियमित रूप से करना है, डेली बेसिस पे करना है, उतना ही करना है जितना हमसे बन सके और जितना हम रेगुलर बेसिस पे सालों साल कर सकें, क्योंकि डायबिटीज़ ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं होती है, ये बीमारी ज़िंदगी भर रहने वाली है। तो हमें जो भी करना है, चाहे डाइट कंट्रोल चाहे एक्सरसाइज, हमें नियमित रूप से लाइफ लॉन्ग करनी है। तो सही मात्रा में एक्सरसाइज करें, रेगुलर बेसिस पे करें, जितनी हमारी क्षमता है उसी हिसाब से करें। जैसे जैसे हमारी स्टेमिना बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगी, हमारी एक्सरसाइज जो है बेटर होती जाएगी। दूसरा जो हमारे पास है, जो हम खुद कर सकते हैं बिना डॉक्टर की इंटरवेंशन के, बिना डॉक्टर के हस्तक्षेप किए, वो है डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल में हमें सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखना होता है वो ये रहता है कि शक्कर वाली चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट्स को हमें कम करना है।
तो हमारे खान पान में हमें अनाज की मात्रा कम करनी है, आलू शक्कर मिठाई है ना, शहद गुड़ ये चीजें जो है ये कम खानी है। एक चीज याद रखिए, जितना ज्यादा मीठा है पदार्थ उतना कम खाना है, मिठाइयाँ कम करें, उसके बगैर हमारा काम चल सकेगा। समोसा कचौड़ी मिक्सचर फास्ट फूड, इसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, हमें वो कम से कम करना है, हो सके तो बंद करना है। चाय में शक्कर कम करें, चाय की फ्रिक्वेंसी कम करें, चाय की मात्रा कम करें, चाय कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं। और खाने में हम हरी सब्जियां ज़्यादा लें, दालें ज़्यादा लें, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, दूध में मलाई निकाल के दूध यूज़ करिए जिससे कैलोरीज कम हो जाए उसकी। रोटी चावल मैदा, चाहे आप बाजरे का आटा यूज़ करें, चाहे आप ज्वार का आटा यूज़ करें, मक्के का आटा यूज़ करें, अनाज वाला हिस्से जो है हमारे खाने के उनको कम करना है। उसी तरह से सब्जियों में आलू बिल्कुल कम करना है, शकरकंदी कम करना है, शलजम कम करना है, ये इनमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है तो इन्हें हमें कम खाना है। उसी तरीके से हम अपने खाने पीने में तेल मसाले की कमी कम रखते हैं, तेल मसाले कम लेते हैं, घी में कम, रोटी में कम घी लगाते हैं। इस तरीके से हमें अपने खान पान को एडजस्ट करना होता है।